हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी होली, और अच्छे से रहिए, अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए, खूब सारी गुजियाँ पापड़ वगैरह खाइए। और हमारे यहाँ तो होली हो गई, जैसा कि अभी जस्ट मैं नहा कर ही आई हूँ क्योंकि अभी होली हुई थी तो कलर वगैरह लगाया था और हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा आज के दिन। चलो अब आगे काम करते हैं बाकी, और आप कमेंट में बताइए कि आपने होली कैसे सेलिब्रेट किया और क्या क्या मिठाइयाँ खाई। और मैंने तो अभी कोई भी मिठाई नहीं खाई, अब जाऊंगी खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इतने दिनों से, और इसलिए ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी और मेरे मम्मी भाई आए हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। ये मैंने मीशो से हैंगर्स मंगाए थे, मेरे कबर्ड में साड़ी रखने जगह नहीं थी तो मैंने ये मंगा लिए थे। अब इनमें बस साड़ियाँ रखनी है। यहाँ पर मम्मी जी मिनी को खाना खिला रही थी। वैसे तो मम्मी जी को मिनी से डर लगता है, लेकिन वो उसको दूर से ही खिलाती हैं। कैची लगी पत्ता गोभी, कैची लगी आपको, चला बता देना सबको। शाम हो गई थी और घर पर कोई भी नहीं था तो मुझे बुरा लग रहा था, तो मैं मिनी को लेके ऊपर छत पर घूमने चली गई थी। बट मुझे डर भी लग रहा था बिल्ली का, कहीं बिल्ली ना आ जाए। हाय
मिनी को मैंने ना धनिया दे दिया है, तो वो उसने धनिया खा लिया। अगर आप पेट ओनर हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि खरगोश को और क्या क्या खिला सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसको धनिया और पत्ता गोभी और घास खिला रही हूँ, और चीज़ भी कुछ खिला सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मम्मी जी और ये लोग गए हुए हैं नानी जी के घर, उनका अनुग्रह है आज, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं इतने देर से उनका वेट कर रही थी कि ये लोग आएंगे, बट अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल, क्योंकि भूख लग रही है, तो जब तक मैं कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ। यहाँ पर मेरे चावल फ्राई हो गए हैं, अब चावल खाऊंगी मैं। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।